हेलो गाइस, वेलकम टू उत्तराखंड जी के अड्डा। उत्तराखंड जी के अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड, ये वीडियो में लेके आया हूँ उत्तराखंड डीएलएड परीक्षा 2020, जिनके एग्जाम जो है 30 मार्च 2020 को होने वाला है। उसके लिए मैं इसमें जो है शिक्षण अभिरुचि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैं कुछ यहाँ पे 40+ क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड, इससे आपको एवरेज हो जाएगा किस तरीके का क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि में पूछे जाते हैं। तो चलो फ्रेंड, इस वीडियो को पूरा वॉच करें और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आप अपने यहाँ से अपना एवरेज बनाएं कि ये इसमें हम कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो चलो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि आप कक्षा में छात्रों के सामने एक प्रश्न पूछते हैं, मतलब आप बच्चों को क्लास में कक्षा में आप एक टीचर को यहाँ पे माना गया, आप एक टीचर हो, तो आप कक्षा के छात्रों के सामने एक क्वेश्चन रखते हैं। तो आप देखते हैं कि कक्षा के अधिकांश छात्र प्रश्न का उत्तर देने के लिए आतुरता से हाथ उठा रहे हैं। मतलब आपने एक क्वेश्चन पूछा बच्चों को क्लास में और बच्चे जो उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबके हाथ खड़े हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा बच्चों के हाथ खड़े हो जाते हैं जल्दी से। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? ऐसी स्थिति में आप क्या है, ऑप्शन नंबर ए दे दिया उन्होंने कि आप छात्रों की इतनी अधिक आतुरता पर नाराज़ होंगे, आप नाराज़ हो जाएंगे कि इतने छात्र सारे छात्र क्या हैं हाथ उठा रहे हैं, या आप उनकी आतुरता को शुभ लक्षण मानेंगे कि आप उनकी आतुरता जो मतलब उनके अंदर जो एक्साइटमेंट है क्वेश्चन को जवाब देने के लिए, वो इतने सारे हाथ उठ रहे हैं तो आप उनका शुभ लक्षण मानेंगे कि हाँ यार अच्छा कर रहे हैं बच्चे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि आपको यह नोट करने का अवसर मिलेगा कि कौन कौन से छात्र ऐसे हैं जो उत्तर देने के लिए हाथ नहीं उठा रहे हैं। तो ये भी बिल्कुल सही लग रहा है कि आपको ये मौका भी मिल जाएगा कि कौन कौन से बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे हैं, किनके हाथ नहीं उठ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी और सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे सामने, जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे छात्रों की क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? जब टीचर एक कक्षा में छात्रों के लिए शिक्षण योजना मतलब पेपर डिस्कस कर रहा है, वो पेपर बना रहा है, तो उससे रिलेटेड जो है टीचर को कौन सी बात को ध्यान में रखना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है आयु को ध्यान में रखना चाहिए, या बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना चाहिए, आर्थिक पर्यावरण को ध्यान में रखना चाहिए, नए अनुभवों को ध्यान में रखना चाहिए। तो फ्रेंड सी और डी तो बिल्कुल चांस नहीं है, आर्थिक पर्यावरण से इसमें कोई रिलेटेड नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना चाहिए कि उस किस क्लास में है, वो किस क्लास में पढ़ रहा है, उसके हिसाब से उनको पेपर डिस्कस किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं, मान लो आप टीचर हैं और आपकी कक्षा में कुछ बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तीव्र बुद्धि वाले हैं, और कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री में उन्हें कोई चुनौती जैसी बात नहीं मिलती है, ऐसे छात्रों के संबंध में आप क्या करना चाहोगे? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी क्लास में कुछ अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं और कक्षा में पढ़ाए जाने वाले जब आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है क्लास में वो उनके लिए मतलब कुछ हार्ड नहीं लग रहे, बहुत सिंपल जो भी चीज़ें हैं क्लास में वो सब चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं प्रैक्टिकल में, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? तो ऑप्शन नंबर ए हमारे दें उन्हें कह देंगे कि ऑप्शन नंबर जो ए हैं वो कह रहा है कि आप उन्हें आप कह देंगे कि अपनी इच्छा के अनुसार कक्षा में आएँ या ना आएँ, आप ऐसे कहेंगे। या दूसरी ऑप्शन है प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि उन छात्रों को अगली कक्षा में पढ़ाया जाए, ऑप्शन नंबर सी, या उन छात्रों को विशेष कार्य देने से देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य में से मुश्किल हो, या उन्हें कह देंगे कि वह अधिकांश समय पुस्तकालय में व्यतीत करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन छात्रों को विशेष कार्य देने देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल हो, मतलब वो इंटेलिजेंट है तो उनको क्वेश्चन जो है थोड़ा हार्ड क्वेश्चन देने होंगे, जो बाकी क्वेश्चन जो है बाकी बच्चे अगर उतना नहीं कर पा रहे तो उनसे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन इनको देने होंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं क्या? शिक्षा के क्षेत्र में जो ली जाने वाली परीक्षा उससे हम क्या जानते हैं? तो पहला है विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है, बी बोल रहा है अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया कार्य विद्यार्थी प्रकार प्रस्तुत करता है, विद्यार्थी पूरे वर्ष में किए कार्य का कितना भाग याद कर सकता है, या विद्यार्थी को शैक्षिक विकास की सही दिशा में हो शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। तो क्या होता है एक परीक्षा ली जाने पे, साल भर में जो हम परीक्षा लेते हैं उससे हमें क्या मिलता है रिजल्ट? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी को शैक्षिक विकास
सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है ये पता चलता है हमारे साल के एंड में जो एग्ज़ाम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ क्या है? मतलब अपने जो टीचर होते हैं उसको छात्रों के नाम जानने चाहिए, इससे क्या लाभ है? पहला है छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, ऑप्शन नंबर बी है छात्र अनुशासित रहेंगे, ऑप्शन नंबर सी छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सही। तो ये इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। अगर पता है बच्चे का नाम है तो नाम से पुकारेगा तो शिक्षक उनको जानता होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एक सफल अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है क्या होता है? सफल अध्यापक जो है उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए परीक्षा उत्तीर्ण करने में बालकों की सहायता करना, नहीं क्या सिर्फ बच्चों को क्या पास कराना ही उनका जो उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा खिलाड़ी बनने हेतु बालकों को सहायता करना, एक अच्छा खिलाड़ी बनाना ही उनका ये नहीं होता अध्यापक का जो उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी जो देखें बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करना, ये बिल्कुल सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं, बालकों में पुस्तकों के प्रति प्रेम पैदा करना, पुस्तकों के प्रति ही प्रेम पैदा करने से बच्चे उन्नति नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करना, उनकी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाना, ये एक सफल अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक क्या? कब तक ध्यान नहीं देंगे बच्चे क्लास में? तो वो क्या है, जब तक उन्हें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाती, उनकी मतलब इच्छा होनी चाहिए पैदा करनी पड़ेगी, या उन्हें कड़ा अनुशासन नहीं होगा, या उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, या स्यापट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो साफ साफ पता लग रहा है इसका जो सही आंसर होगा पहला ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, उनमें जिज्ञासा पैदा जब तक नहीं होगी तब तक बच्चे ध्यान नहीं देंगे क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक का प्रमुख गुण क्या है? अध्यापक का जो प्रमुख गुण क्या है? अध्यापन में निपुणता होना, या भाषण कला में सिद्धता, या अनुशासन क्रिया, या व्यवहार कुशलता। तो इसका सही आंसर साफ साफ पता चल रहा है ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, अध्यापक में निपुणता, अध्यापन में निपुणता होनी चाहिए। एक अध्यापक को जो अध्यापन जो होता है उनका जो ज्ञान देने की कला होती है उसमें वो निपुण होने चाहिए, भाषण कला से कोई वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये कॉमन सेंस के आंसर है सारे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना दूसरे किस नाम से विख्यात है? तो ये जो है वर्धा शिक्षा योजना से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोटे बच्चों को कोई विषय वस्तु याद कराने का आप सबसे अच्छा उपाय क्या समझते हैं? मतलब कोई बच्चे को जल्दी याद हो जाए उसके लिए आप सबसे अच्छा क्या मानेंगे? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, मन ही मन समझ लेना, ध्यान से याद करना, ये बार बार दोहरा कर याद करना, या दिमाग में बैठा लेना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे कैसे याद कर पाते हैं? छोटे बच्चे जो हैं वो समझ नहीं पाते, उन दिमाग में बिठा नहीं ले पाते हैं, तो वो कैसे याद कर पाते हैं? वो बार बार दोहरा कर याद कर पाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। तभी छोटे बच्चों को पोएम दी जाती है ना कविता, तो वो बार बार उसको पोएम को बार बार बोल के दोहरा दोहरा कर उसको लर्न कर लेते हैं, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा छोटे बच्चों के लिए, तो बार बार दोहरा कर याद करना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होता है, खेल विधि का सही अर्थ है, खेल विधि का सही अर्थ है क्या हो जाएगा इसमें? तो बालकों को मनोरंजन की इच्छा की पूर्ति मात्र, या बालकों को खेल से पूर्व स्वाधीनता मात्र, या बालकों को खेल के प्रवृत्ति को संतुष्ट करते हुए लाभप्रद शैक्षणिक परिणाम निकालने उपयुक्त में स्कोरिंग, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं इसको हर क्वेश्चन को अगर डिटेल में डिस्कस करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो मैं सीधे आंसर बता दूँ आपको शॉर्ट शॉर्ट में, तो बाकी आप डिटेल से समझ जाना ये आंसर क्यों इसका हो रहा है, आप इतना लगा लेना क्वेश्चन को। तो चलो नेक्स्ट, अशुद्ध उच्चारण सुधारा जा सकता है, इसमें से कौन सा सुधारा जा सकता है जो है? तो इसमें देखेंगे पुनरावृत्ति द्वारा कैसे, मतलब कोई बच्चा अगर गलत किसी चीज़ को प्रनाउंस कर रहा है तो उसको कैसे हम सही करें? मतलब कुछ अगर कोई किसी वर्ड को लिखा है
और उसको गलत पढ़ रहा है पढ़ने में, तो उसको सही कैसे हम मतलब सुधार करेंगे उसमें? पुनरावृत्ति द्वारा, पुनरावृत्ति मतलब उसको बार बार बोलने से, दोबारा बोलने से वो सही हो जाएगा, या समानता वाले शब्दों का उच्चारण कराकर, उसके जो समान शब्द हैं उसी की तरह उसका उच्चारण करवाकर, या शब्दों के खंडों में बांटकर, ये शब्द को टुकड़े टुकड़े में करके उसको बुलवा दें, तब यह डी ऑप्शन नंबर डी दे रख उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर हो जाए उपरोक्त सभी। हम चारों तीनों तरीके से हम जो है उच्चारण को शुद्ध तरीके से बुलवा सकते हैं बच्चे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड उस अभियान का सांकेतिक नाम है जो क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड, प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, तो ये ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये अभियान इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देखते हैं कि कक्षा शिक्षण के दौरान कोई छात्र पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे? मतलब आप क्लास में हो पर कोई बच्चा जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? उन छात्रों को डांटोगे, उन्हें चेतावनी देने के बाद कक्षा के बाहर निकाल देंगे, या पढ़ाते समय उनके प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उनका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे, या उनको स्पष्ट बता देंगे कि या तो वह ध्यान दे या कक्षा से बाहर हो? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, मेरे को जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, पढ़ाते समय उनसे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उनका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे, तो ये हम कर सकते हैं उनका ध्यान लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, आप अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन का गुण कैसे विकसित कर सकते हैं, मतलब वो खुद ही अपने मतलब अनुशासन में बने रहे बच्चे क्लास में, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए ये उत्तरदायित्व को सौंप कर उनके पास कुछ ये दे कि तुम्हें क्लास में ये चीज़ करनी होगी, या आचरण संबंधी नियम से जानकारी, या दंड देकर नियमों को पालन कराकर, ये आप कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप उनको दंड देकर भी कर सकते हैं इसका, दंड देकर तो कैसे कर सकते हैं, अपने बच्चों अनुशासन को गुण कैसे विकसित कर सकते हैं, मतलब स्व अनुशासन वो खुद ही जो है अनुशासन में रहे, तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रहेगा उत्तरदायित्व का सौंप पर, हम उनको दे देंगे भाई कि तुम्हारा क्लास में जो है तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम्हें ये काम करना है, तो उनके पास एक क्या आ जाएगा, एक उत्तरदायित्व आ जाएगा जिससे वो अनुशासन में रहने खुद लग जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूहिक खेलों से छात्रों को कौन सा लाभ होता है, तो सामूहिक खेलों से मतलब कोई गेम है जिसमें सारे बच्चे खेल रहे हैं साथ में, उससे छात्रों को कौन सा लाभ होता है, तो इसका जो उत्तरदायित्व निभाने के गुण का विकास होता है, नियम पालन का अभ्यास होता है, मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग होती है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आप देखते हैं कि कक्षा शिक्षण के दौरान कोई भी छात्र पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये हमने स्पष्ट कर लिया था ये आंसर, तो इसका सही आंसर क्या था, पढ़ाते समय जो उनसे बीच बीच में प्रश्न करने चाहिए, इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है बालक के सामाजिक व्यवहार के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा अध्यापक का ही होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड पर ऑब्वियसली यहाँ पे अध्यापक की सबसे बड़ी भूमिका होती है, माँ तो घर में उनको कर सकती, ज्ञान जो है उसको अध्यापक ही दे सकता है, उसका जो सही आंसर हो जाएगा अध्यापक की सबसे बड़ी भूमिका होती है एक बालक के व्यवहार में, व्यवहार के उसके विकास में जो है सबसे भूमिका होती है अध्यापक, इसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, जो स्कूल में बुद्धि पर जो बच्चे की बुद्धि होती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका रहता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रहेगा पाठ्यक्रम का, बच्चा पढ़ क्या रहा है उस पे सबसे ज़्यादा उनकी बुद्धि का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हैं कक्षा शिक्षण के शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए, रुचि उनकी बनाए रखे क्लास में उनके लिए क्या करना चाहिए, श्यामपट का अधिकारिक प्रयोग करना, यथार्थ जीवन में उदाहरणों का भरपूर प्रयोग करना, शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग करना, या छात्रों को चर्चा कर भरपूर अवसर देना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, यथार्थ जीवन के उदाहरणों का भरपूर प्रयोग करना, मतलब बीच बीच में जो है बच्चों को एग्जांपल देते रहने चाहिए कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसी हुई थी, ये ऐसे एग्जांपल बीच बीच में देगी तो बच्चों का जो है रुचि बनी रहती है क्वेश्चन में क्लास में। तो नेक्स्ट है बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाए, सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाए, ऑप्शन नंबर ए है कक्षा शिक्षण के द्वारा, पाठ्यक्रम के द्वारा, या विद्यालय में सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, या टोली शिक्षण के द्वारा,
इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा ये हम उनकी सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दे सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अध्यापक का लक्ष्य है, एक अध्यापक का लक्ष्य क्या होता है? एक अध्यापक का लक्ष्य होता है छात्रों की प्रतिभा का विकास करना, इज अ राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी, इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, छात्र अध्यापक के किस गुण के कारण उनसे प्रभावित होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखेंगे उनके ज्ञान से भी होते हैं, उनकी नियमितता से भी होते हैं, विषय वस्तु को समझाने की क्षमता अगर अच्छी है, तो ये तीनों चीज़ों से जो है एक छात्र जो अध्यापक के गुण के कारण उन्हें प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि क्या? ताकि जो है इनकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में वैदिक काल में कौन सी शिक्षा पद्धति प्रचलित थी? तो ये हमारा आंसर हो गुरुकुल शिक्षा चलती थी, पहले क्या चलती थी? गुरुकुल शिक्षा चला करती थी। नेक्स्ट है, शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित कराना चाहिए। नेक्स्ट है, प्राथमिक अध्यापक के लिए निम्न में से एक किसका अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी, बाल मनोविज्ञान का। नेक्स्ट है, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि इससे क्या होता है? मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है इससे क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है तो इससे जल्दी बच्चों को समझ में भी आ जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षक अपनी कक्षा में अच्छा अनुशासन रखने में सफल हो जाता है यदि वह क्या करे? तो इसका जो सही आंसर हो जाए सी, बच्चों के साथ विनम्र रहे किंतु दृढ़ भी रही, इस तरीके से अच्छा अनुशासन बना रखने के लिए सफल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक को होता है कौन सा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वातावरण, किस वातावरण में बच्चा रह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किस कक्षा में एक बुद्धिमान छात्र है जो आपके सक्षम सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा, उसे कक्षा का नेतृत्व करने को दे देंगे। नेक्स्ट है, संकोची और शर्मीले छात्रों को कक्षा के शिक्षण कार्य में भाग लेने की प्रेरणा देने का उपाय क्या है? कौन सा उपाय सही रहेगा? संकोची और जो संकोची है बीच बीच में और शर्मीले टाइप के जो बच्चे हैं, शिक्षण कार्य में भाग लेने की प्रेरणा उनको कैसे देंगे? जो मतलब किसी भी प्रतियोगिता होती है कक्षा में भाग लेने में बहुत शर्माते हैं और बहुत सोचते हैं, उन बच्चों को आप कैसे प्रेरणा देंगे कि वो इसमें भाग लें? तो ऑप्शन नंबर ए हमारे सामने, गृह कार्य से मुक्त रखा जाए या इस तरीके से। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, उनको कक्षा में अपनी रुचि के विषय पर कुछ बताने का प्रोत्साहन किया जाए, जो उनके जो है अपनी रुचि के विषय में जो उनका फेवरेट चीज़ होगा जिसमें उनका रुचि रहती होगी उन चीज़ों को बताने का प्रोत्साहन दिया जाए, तो वो कर सकते हैं इस चीज़ को। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है, खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, तो सी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, छोटे बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं, अध्यापक उनके लिए क्या करेंगे? तो इसका जो सही आंसर होगा, उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे, तो डी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे लगभग हमने 30+ क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो को आप पूरा देखें, अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और जो DLED से जो रिलेटेड वीडियो है मैं आपके लिए डेली आपके लिए लेके आऊँगा, इसमें मैथ्स भी, रीजनिंग भी, शिक्षण अभिरुचि और GS के क्वेश्चन भी सारे आपको पर डेली मैं इसमें अपडेट करता रहता हूँ। तो जिसने हमारे चैनल को नहीं देखा अभी, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे कुछ और वीडियो DLED से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाइए
और वहाँ देख सकते हैं आप। तो थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग।